दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप अंत तक देखेंगे तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे और कमेंट्स या लाइक कर पाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों जी, हमें उजनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और आज हम बने हुए हैं कि कुमार जी के साथ। जी हाँ, और पूछने के लिए कि कैब यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर समाज में इतना इतनी इतनी गर्माहट क्यों है, इतना इतना अराजकता क्यों फैल रही है, आइए बात करते हैं। देखिए आशीष जी, ये क्या है? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट बिल है। इसमें कोई अबेंडन बिल नहीं है ये, कि इसमें से किसी को निकाला जा रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है। और गवर्नमेंट ने इसको इसलिए बनाया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। पहले तो ये चीज जान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिसका लैंड टेरिटरी किसी ना किसी एनिमी कंट्री से जुड़ा हुआ है या किसी कंट्री से जुड़ा हुआ है। आप एग्जांपल ले लीजिए, भारत पाकिस्तान हो गया, इसराइल फिलिस्तीन हो गया, नॉर्थ और साउथ कोरिया हो गया, रशिया हो गया, रशिया के साथ भी बहुत सारे कंट्री जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स है कि लैंड टेरिटरी एक होने से इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो घुस जाते हैं और घुस करके यहाँ रहना चालू कर देते हैं, और यहाँ के जो भ्रष्टाचार तंत्र है उससे वो अपना सर्टिफिकेट क्रिएट कर लेते हैं सिटीजनशिप का, इंडियन सिटीजनशिप का। तो इसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा लोग बांग्लादेश के, पाकिस्तान के यहाँ पे आके छुप गए हैं, और यहाँ पे जो आप देखते हैं डे टू डे आतंक फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये भी एक इसका एक रूप है कि ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आकर के जो ISI है या जो भी और टेररिस्ट कंट्री है, जो कंट्री हमारी दुश्मन है, वो हमारे देश में अराजकता फैलाने का ये बहुत आसान सा रास्ता उन्होंने बना लिया कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको इंडियन बना करके और उनके थ्रू देश में ये आतंक फैलाया जाए। तो ये नेशनल सिक्योरिटीज के लिए ये बहुत जरूरी था। और आज जो लोग इस पे हल्ला कर रहे हैं, देखिए उनका हल्ला करने का इस पे कोई हक नहीं बनता है। मेरे बहुत से मुस्लिम फ्रेंड है, वो आके हमसे बोलते हैं कि भाई कुमार तुम देखो इस पे कुछ करो, कि कोर्ट में केस फाइल करो, ये करो कि इसमें हम लोग। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए आपको क्या तकलीफ है, क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? अगर वो भारतीय नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, इंडियन नहीं है, तो इसका विरोध करें। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मुस्लिम भारतीय को हम फेंक देंगे बाहर, या बाहर के मुस्लिम हैं उनको हम अडॉप्ट कर लेंगे। इनका इसमें सीधा सीधी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में ये लिखा है कि जो इंडियन है वो किसी कारणवश भारतीय हो, वो किसी कारणवश दूसरे कंट्री में फंस गए हैं, वहां वो अल्पसंख्यक का रूप हो गया हो, तो उनको वहां प्रताड़ना हो रहा हो, तो हम अपनी इंडिया उसको वापस स्वीकार करेगी। जिसमें उन्होंने क्लियरिफाई किया है कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन लोगों को इसलिए डिफाइन किया है कि मुसलमानों का नाम इसलिए उसमें नहीं आया है कि हम बाहर के कंट्री के मुस्लिम को अपने यहां नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? कि उनके लिए वो कंट्री है। अगर वो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हिंदू है, या जो क्लासिफाई किया गया उससे जुड़े हुए किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो आप मेरे यहां आ जाइए, हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है। और हम आपके माध्यम से फिर ये बताना चाहते हैं कि जो इंडियन मुस्लिम है उनको जरा भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो आराम से सोए। ऐसा नहीं कि ये पेपर लाए, जैसे वो लोग बोलते हैं कि कौन सा पेपर निकालना पड़ेगा, मेरे पास तो मेरे दादाजी तक का प्रूफ है, मेरे तक तो मेरे परदादाजी तक का प्रूफ है। कोई प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, घर घर आके मुसलमान से कोई प्रूफ नहीं मांगने वाला है। जो सस्पेक्टिव पकड़े जाएंगे उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो इंडियन है या नहीं है। जी ठीक है कुमार जी, जो आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन पहली बात तो इतने लोग आएंगे तो उनको रोजगार जो मिलना चाहिए वो भी कैसे मिलेगा, और दूसरा बात ये है कि आगे जाके इतना जो पॉलिटिकल पार्टीज जो जामिया में जो हो रहा है और इतना मुस्लिम्स के ऊपर हल्ला हो रहा है, मुस्लिम्स हल्ला कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या महाराष्ट्र क्यों इतना शांत है? मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि महाराष्ट्र में अभी तक शांति बनी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है। आशीष जी, जैसा आपने कहा कि रोजगार बाहर के जो हिंदू लोग हैं, हिंदुस्तानी जो क्लासिफाई किया गया, वो हमारे अगर कंट्री में आते हैं तो उनकी संख्या इतनी नहीं है कि हमारे यहाँ के रोजगार इफेक्ट होंगे। लेकिन जो अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं, रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, ये लोग इतने ज्यादा तादाद में है कि ये हमारा आपका रोजगार खा रहे हैं, हमारे कंट्री का रेवेन्यू खा रहे हैं इस पे। और रेवेन्यू और रोजगार खाने के साथ साथ ये नेशनल सिक्योरिटीज के लिए सबसे डेंजर है। आप देखिए यूरोपियन कंट्री में ले लीजिए, किसी को इतना आसानी से सिटीजनशिप वहां नहीं मिलता है। वो यूरोपियन कंट्री की बात आप
छोड़ दीजिए, खुद पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन इलीगल रूप से घुस जाए तो ज्यादा 2 घंटे 4 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रह सकता है वो। तो हमारे देश में इतना इजी गोइंग क्यों है कि कोई बाहरी लोग आके रह जाए? ये तो पूरा शुरू से देखा जा रहा है, कैसे मुगल आए, कैसे अंग्रेज व्यापार करने के बहाने आए, कैसे ये इलीगल घुस गए, यहाँ पे घुसने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है। असम में तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसके हेड्स जो है, मतलब उनका सस्पेक्ट है कि वो भी बांग्लादेशी है उसके उसमें भी, और वो लोग सत्ता में आ गए हैं। सत्ता में आने के बाद वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। आज जो भी लोग विरोध कर रहे हैं तो समझ लीजिए इसका विरोध वही करेगा जो भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इंडियन मुस्लिम को हम उठा के फेंकने वाले हैं। देखिए यहां से किसी भी मुस्लिम को उठा के फेंकना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीधा हेलीकॉप्टर पे बिठाएंगे या प्लेन पे बिठाएंगे और उसको डंप कर देंगे किसी कंट्री में, ऐसा नहीं होता है। वो कंट्री अगर नहीं लेना चाहेगी तो क्या करेंगे? इसके बारे में, बिल के बारे में तो हम लोगों ने ज्यादा अभी तक स्टडी नहीं किया है, लेकिन उसमें भी देखना है कि जो लीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाएंगे उनको किस तरह से दूसरे कंट्री को हैंड ओवर करेंगे। अगर वो कंट्री लेने से इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? देखिए अभी ट्रंप गवर्नमेंट ने जब मैक्सिकन में वॉल प्रोजेक्ट लाया था कि वो भी इसी से परेशान थे, उनके यहां भी अवैध अप्रवासी इतने ज्यादा घुस गए थे कि वो तो वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया उन्होंने, बहुत मैक्सिमम यूएस का रेवेन्यू उसमें खर्च करने की बात की, तो वहां पर किसी देश ने विरोध नहीं किया। आज हमारे यहां सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो लोग इतने करने लगे। अच्छा आप चलिए अपने महाराष्ट्र की बात बोली तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस दूसरे जगह इस बिल का विरोध कर रही है वो कांग्रेस यहां तो जो पार्टी विरोध कर रही थी उसके साथ में आ गई। अगर आज शिवसेना देखिए, शिवसेना ने बिल का साथ दिया है। लोग कहते हैं कि नहीं वो बिल का विरोध किया, ऐसा नहीं है। शिवसेना ने साथ दिया। कैसे साथ दिया? वो सदन से बाहर आ गए। सदन से बाहर आने के बाद स्ट्रेंथ कम हो गया विरोध का, विरोध का स्ट्रेंथ कम हो गया तो उसका समर्थन हुआ। आज एक देखिए, अब कांग्रेस का दो चेहरा दिखता है यहां पर। एक जगह वो विरोध कर रहे हैं और महाराष्ट्र में विरोध करने वाली पार्टी के साथ सत्ता चला रहे हैं। लोग बोलते हैं नहीं विरोध नहीं करना होता है, वो अगर सदन से बाहर आ गए तो विरोध नहीं होता। आप एक एग्जांपल लीजिए बस, कि हमारे तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त में अगर कोई हमलावर पीटने चला आया और एक दोस्त वहां से हट गया जो उसकी मदद कर सकता है और बाहर जाके खड़ा हो गया, जब उनकी पिटाई हुई तो वो आके खड़ा हो गया, बोला हमने कोई विरोध नहीं किया, हमने तो उनका समर्थन दिया ताकि वो दोनों आपस में निपट लें। अब देखिए जहां ड्वेल चेहरा हो रहा है, देखिए हर समय शिवसेना जो है ना इनके ब्लड में है भागने का, अपने एक्चुअल फैक्ट से या धोखाधड़ी करने का, एक्चुअल फैक्ट से भागने का। भाजपा के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जन समर्थन लिया और भाग गए। और उसके बाद आज देखिए जब सदन में विरोध करें, जब कांग्रेस उनकी विरोधी पार्टी, उनके फ्रेंड है, एनसीपी इस बिल का विरोध कर रही है, वो उनका फ्रेंड है। यहां महाराष्ट्र में इसलिए नहीं हो रहा है कि ये अंदर से उसकी मदद कर रहे हैं। ये लोग भी चाह रहे हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल लागू हो। अब बताइए कांग्रेस का, एनसीपी का और शिवसेना का यहां दूसरा चेहरा दिख रहा है। एक जगह आप दूसरे स्टेट में विरोध कर रहे हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं कि जो इस तरह का इलीगल वोटर्स है जिसका बहुत ज्यादा तादाद है वो उनके वोटर्स बन जाएं। बीजेपी से लड़ने के लिए सबसे अच्छा विपॉन्स इनके पास ये है कि इलीगल्स को लीगल करके वो वोट बैंक में कन्वर्ट करें। वो महाराष्ट्र में नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। अगर आज देखिए राहुल गांधी आए, इन्होंने वीर सावरकर को यहां पर अपमान किया, अपमान में भी इनकी खून नहीं खोली जो उनका विरोध समर्थन करते हैं, कट्टर समर्थक है शिवसेना, क्यों नहीं सत्ता वापस ले लिया, क्यों नहीं सत्ता से हट गए? देखिए आत्मसम्मान को बार बार बेच के, बार बार तोड़ करके बहुत दिन तक सत्ता नहीं चलाई जा सकती है। और यहां पे ऐसा गठबंधन हो गया है कि नींबू और दूध का, तो ये बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं करेगा। इसीलिए आपको यहां पे इसका कोई फोर्स नहीं दिखा रहा है महाराष्ट्र में। ये दूसरे जगह जो आप विरोध देख रहे हैं ये क्रिएट किया हुआ विरोध है। जैसे आज ही अलर्ट आया है कि इसमें आतंकवादी ग्रुप्स का काम है और वो चाह रही है कि पत्थरबाजी करें, दंगा फसाद करवाएं, तो इट में भी पॉसिबल कि ये सब चीजें हो सकती है, क्योंकि ये विरोध इतना ज्यादा और सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। मैं फिर आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मुस्लिम जो सच्चे भारतीय हैं, जो इलीगल रूप से नहीं आए, उनको कोई पेपर लाने की जरूरत नहीं है, किधर भी भागने की जरूरत नहीं है, कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है इस बिल की, आराम से सो जाएं। वो भी इंडियन है, वो भी भारतीय है। संविधान ने जितना हमको हक दिया है उतना हमारे मुसलमान भाइयों को भी हक दिया है। उनको इस तरह से बेचैन होने की जरूरत नहीं, अंटिल अनलेस कि वो रॉन्ग तरह से इंडिया में नहीं रह रहे हों। ये अमेंडमेंट बिल वही लाया। ये अमेंडमेंट बिल में सिटीजनशिप देने की बात कही गई है, किसी का सिटीजनशिप छीनने की बात नहीं कही गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को इक्वल राइट्स है। ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को ब्रेक नहीं करता है। तो ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के किया गया है। और आपने जो बोला कि रोजगार
हमारे यहाँ रोजगार भी इन्होंने कम कर दिया है, हमारे यहाँ का रेवेन्यू भी इन पे यूज हो रहा है। और सारी कंट्री जब अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हम भी दूसरे कंट्री में अगर जाते हैं, वहां सिटीजनशिप लेना इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात है कि एशियन कंट्री जो है हमारा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ का चेहरा एशियन का हम लोग मिल जाते हैं। यही चाइनीज इलीगल हमारे यहाँ आएगा तो चेहरे से डिफाइन हो जाएगा, अफ्रीकन इलीगल आएगा तो चेहरे से डिफाइन हो जाएगा, हम लोग उसको तुरंत डिटेक्ट करके भेज देते हैं। और ये हमारे भाषा में, चूंकि बांग्ला भाषा यहाँ भी है, उर्दू भाषा यहाँ भी है जो वहां बोली जाती है, ये सब चीज एक तरह से कॉकटेल इस तरह से बन जाता है कि उसमें वो कवर हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और पेपर बन जाता है यहाँ, चूंकि भ्रष्टाचार है सब लोग चाहते हैं, और सब पॉलिटिकल पार्टी ही बनाती है। आज हम लोग जहां बैठे हैं नवी मुंबई में, नवी मुंबई के हर गांवठन एरिया में देख लीजिए, जहां झुग्गी झोपड़ी है, यहां बार है, ये है, सारे में बांग्लादेशी रहते हैं, और इसमें रोहिंग्या भी होंगे। रोहिंग्या के बारे में, बांग्लादेशी के बारे में बोला गया है कि ये लोग बहुत कट्टर, ये बहुत कट्टर होते हैं, और ये ISIS के कट्टर समर्थक भी माने जाते हैं, और ये म्यांमार में रहते थे, म्यांमार से भी इन्हें निकाला गया, बहुत सारी कंट्री में ये लोग घुस गए, इनसे ये इतने बड़े मतलब डिस्ट्रॉयर है, सारे बहुत सारी कंट्री इनसे परेशान है, तो हम लोग भी इसमें बहुत परेशान है। और ऐसा ऐसा फील होता है कि नेशनल सिक्योरिटीज को सेफ रखने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया है ये बहुत अच्छा बिल है, और इस बिल का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। जो भी विरोध हो रहा है वो इस पे सही विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन है वोट बैंक को ग्रैब करने का। आज उनका जो विपक्ष है उनका गिरता हुआ साख है। आपको मैंने बताया ना कि अभी कांग्रेस दूसरे स्टेट में विरोध करती है और इस स्टेट में समर्थन करने वाली पार्टी के साथ उस सत्ता में चला रही है, तो ये ड्यूअल फेस है, इस फेस को आना चाहिए कि अगर आप वहां विरोध कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी विरोध कीजिए, महाराष्ट्र में भी उस पार्टी के साथ आप क्यों है जो आपके बिल के ऊपर आपके साथ नहीं खड़ा होकर के सदन छोड़ के भाग गई, उनके साथ आप सत्ता में है, अगर वो सदन में आपके साथ रहती तो हो सकता है ये बिल नहीं पास होता, तो आप उनके साथ क्यों पकड़ के हैं? ये पूरे देश की जनता को ये पूछना चाहिए कि आज जो कांग्रेस दिल्ली में दंगा फैला रही है, अदर स्टेट में विरोध कर रही है, इधर उधर विरोध कर रही है, वो यहां पे सत्ता में क्यों है? तो जनता ये समझ ले, जनता धोखे में ना पड़े, ये चीटर है, ये बहुरूपिया है, इनका हर जगह अलग अलग चेहरा होता है, जहां सत्ता का मलाई खाना है वहां इनका दूसरा एक्ट और चेहरा है, जहां सत्ता नहीं मिली है वहां सत्ता हासिल करने के लिए दूसरा एक्टिविटी कर रहे हैं, ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बॉस, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भारतीय सच्चा है तो इस बिल का विरोध नहीं करेगा, और जो इलीगली हमारे कंट्री में रह रहे हैं उसका विरोध सबको ही करेगा, चाहे हम मुस्लिम हो, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ये पहले मेरा कंट्री है, कंट्री पहला, फर्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपस में क्या करना है नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो तो दोस्तों इस न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप एक बार ध्यान रखिए, भारतीय मुसलमान भाई को चैन की नींद सो जाइए, जी हाँ, भारतीय मुसलमान भाई चैन की नींद सो जाएं, क्योंकि मुसलमान भाइयों को ये कैब जो बिल है, ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बल्कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो भारत में घुसपैठिए किए हुए हैं, उनको निकाल फेंकेगा। तो भारतीय मुसलमान बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें कि इस बिल से उनको कोई तकलीफ होने वाली है। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जनता में जन जागृति फैलाएं और अफवाहों से बचें।